अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 1 का, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट्स की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, किस तरीके से होती है, उसके ऊपर हम आज लेक्चर देंगे। तो उसके ऊपर अब आज हम स्टडी करने से पहले, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकलती है, क्या चीज़ होती है, उसकी पहले हम डेफिनेशन डिफाइन कर लें कि अगर कोई भी दो सेट्स है, ए और बी हमारे क्या कोई भी दो नॉन इम्पटी सेट्स हैं, उनके बीच में अगर जितने भी है पॉसिबल आर्डर पेयर्स बनेंगे तो वो क्या चीज़ होगी, वो होगी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट, अगर डेफिनेशन में लिखूं तो लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन इम्पटी सेट्स, देन ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू सेट्स इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसे क्या कहेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। जितने भी पॉसिबल सबसेट बने, जितने भी पॉसिबल हमारे आर्डर पेयर्स बनेंगे किसी भी दो सेट के, तो वो क्या चीज़ क्या होगी, वो चीज़ होगी हमारी क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं डिनोट करता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये जो हमने सैम्पल लिखी है ए क्रॉस बी, तो इस सैम्पल को हम रीड करेंगे किससे, क्रॉस से, नॉट रीड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये चीज़ जो होगी हमारी गलत होगी, अगर इस चीज़ को मैं रीड ऐसे करूँगा ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये चीज़ क्या होगी हमारी गलत होगी। इसको रीड कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ होगी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इसको मैं सिंबॉलिकली लिखूं इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये क्या होगा, लाजमी है ये जितने भी हमारे आर्डर पेयर बनेंगे किस हिसाब से बनेंगे, ए कामा बी के हिसाब से आर्डर पेयर बनेंगे हमारे। तो ए जो होगा ए एलिमेंट बिलोंग्स करेगा ए सेट से, और बी जो होगा वो बी एलिमेंट बिलोंग्स करेगा बी सेट से। ये जो हमारे आर्डर पेयर बनेंगे, इस आर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से ताल्लुक़ रखेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से ताल्लुक़ रखेगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं सिंपली लिखूं तो ए क्रॉस बी व्हिच इज़ इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट कामा बी बिलोंग्स टू बी सेट। तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी सिंपली रिटर्न होगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के अंदर हमारी सम पॉइंट्स होती हैं, उन पॉइंट्स को मैं डिनोट कर लूँ, तो ए क्रॉस बी के अंदर कभी भी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी हमारी कभी भी बराबर नहीं होती बी क्रॉस ए के, क्योंकि बिकॉज इन आर्डर पेयर, आर्डर पेयर के अंदर ए कामा बी इज़ नॉट इक्वल टू बी कामा ए। तो ए कामा बी का हमारा क्या इक्वल नहीं होता बी कामा ए से, इस वजह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी हमारा कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए से। तो उसके बाद सेकंड कंडीशन होती है, हाउ मेनी पॉसिबल आर्डर पेयर ऑफर टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने पॉसिबल हमारे आर्डर पेयर बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ आर्डर पेयर, तो नंबर ऑफ आर्डर पेयर हमारे कितने बनेंगे, अगर मैं कहूँ इफ ओ ऑफ ए व्हिच इज इक्वल एम के बराबर एंड ओ ऑफ बी व्हिच इज इक्वल टू एन के बराबर, देन नंबर ऑफ पॉसिबल आर्डर पेयर
तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हमारे कितने बनेंगे, ओ ऑफ ए इंटू बी ओ, ओ ऑफ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू एम इंटू एन। जब उसके दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा जो भी रिजल्ट आएगा उतने उसके क्या पॉसिबल हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो हमें मालूम होगा कि इसके ऑर्डर पेयर हमारे कितने बनेंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल लिख लूँ और ये वाली कंडीशन भी मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ ए सेट विच इज इक्वल टू ए कामा बी एंड बी सेट विच इज इक्वल टू जीरो कामा वन, तो ए सेट किसके बराबर है, या ऐसे कर लो या ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ए सेट विच इज वन कामा टू एंड बी सेट विच इज इक्वल थ्री कामा फोर, ए सेट विच इज इक्वल टू वन कामा टू एंड बी सेट विच इज इक्वल टू थ्री कामा फोर। तो आ जाओ फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, आल्सो शो डैट ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये चीज़ भी हमें शो आउट करनी है कि ए क्रॉस बी हमारी कभी भी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए से। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी भी मालूम करनी है, तो ए क्रॉस बी व्हिच इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ ए सेट व्हिच इज इक्वल टू वन कामा टू, क्रॉस की सैंपल, द एलिमेंट ऑफ बी सेट व्हिच इज इक्वल टू थ्री कामा फोर। अब ये तो मैंने एलिमेंट लिख लिया, अब मुझे मालूम होना चाहिए कि इसके ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे। अब कैसे, अब इसके अंदर एलिमेंट की तादाद दो, इसके अंदर भी टू, तो मतलब इन ऑफ या ओ ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू एंड ओ ऑफ बी व्हिच इज इक्वल टू, देन कितने होंगे ओ ऑफ ए इनटू बी, ओ ए क्रॉस बी व्हिच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय टू व्हिच इज इक्वल फोर। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे कितने, फोर बनेंगे। तो आज वो ऑर्डर पेयर यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ, हम यहाँ पे बनाते हैं, तो ए क्रॉस बी व्हिच इज इक्वल टू, अब ऑर्डर पेयर लाजमी जो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट सेट होगा वो ऑर्डर पेयर बनाएंगे किससे, सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब वन उठा के इन दोनों से ऑर्डर पेयर बनाओ, मतलब वन कामा थ्री कामा वन कामा फोर। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट होंगे और सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड कंपोनेंट होंगे। तो इसी हिसाब से वन के पेयर मैंने बना लिए ऑर्डर पेयर के हिसाब से, फिर टू उठाऊंगा वो ऑर्डर पेयर बनाऊंगा किससे, थ्री से भी, और टू उठा के उसका ऑर्डर पेयर बनाऊंगा फोर से भी। ये हमारा क्या मिला, ये हमें मिल गया क्या ए क्रॉस बी, तो ये क्या मिला हमारा ए क्रॉस बी मिल गया। इसी हिसाब से हमें क्या मालूम करना है बी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस ए का मतलब क्या, पहले बी के एलिमेंट रखो उसके बाद ए सेट के, तो बी किसके बराबर है थ्री कामा फोर क्रॉस की सैंपल, उसके बाद ए सेट किसके बराबर है वन कामा टू। तो आ जाओ सिंप्लीफाई करो, तो ऑर्डर पे क्या बनेगा थ्री उठा के इन दोनों से, तो थ्री कामा वन और थ्री कामा टू कामा फोर उठा के इन दोनों से, तो फोर कामा वन और फोर कामा टू। अब ये तो हमारे ऑर्डर पेयर बन गए, ए क्रॉस बी भी निकल गई और इसके अलावा हमारे पास क्या निकला बी क्रॉस ए भी। अब उसके बाद ये चीज़ देखना है कि ए क्रॉस बी क्या हमारा डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना और यहाँ का फर्स्ट ऑर्डर पेयर बना, क्या हमारे पास वन कामा थ्री इक्वल होता है थ्री कामा वन से, कभी भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। तो वन देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या थ्री है, क्या वन बराबर होगा थ्री के, नहीं होगा, इस वजह से ये ऑर्डर पेयर भी हमारा डज नॉट इक्वल। इसी हिसाब से सेकंड ऑर्डर पेयर उठाओ, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर क्या दे रहा है वन कामा फोर, और यहाँ का थर्ड ऑर्डर पेयर फोर कामा वन, क्या वन कामा फोर इक्वल होता है फोर कामा वन से, कभी भी नहीं। तो इसी हिसाब से थर्ड वाला ऑर्डर पेयर उठाओ, तो क्या ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे कभी भी। तो इसी हिसाब से लास्ट वाला टू कामा फोर डज नॉट इक्वल टू फोर कामा टू, डेट्स वाई
ए कामा ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा हमारा बी क्रॉस ए के, अनलेस कब ये बराबर होंगे, व्हेन ए विच इज इक्वल टू बी सेट, जब ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे तब जाके इनका रिजल्ट भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। ये था हमारे टू पेयर्स के हिसाब से ऑर्डर पेयर। अगर हमारे पास थ्री पेयर्स के हिसाब से कार्टेशियन पे आ जाए, अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इफ अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब यहाँ पे ये हमारे पास तीन सेट है ए और बी और सी, अब तीन सेट्स की कार्टेशियन निकालेंगे, तीन सेट्स की कार्टेशियन निकालेंगे तो तीन सेट्स के हिसाब से हमारे ऑर्डर पेयर किस हिसाब से बनेंगे, ट्रिपल के हिसाब से हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, इट कंटेंस ट्रिपल ऑर्डर पेयर्स। अब ट्रिपल ऑर्डर पेयर्स के हिसाब से कैसे, ए बी सी एलिमेंट है तो इनका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा ए कामा बी कामा सी, मतलब ये क्या होगा थ्री डायमेंशन के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब वो ऑर्डर पेयर किसके हिसाब से बनेंगे, टू डायमेंशन के हिसाब से ऑर्डर पेयर बनेंगे, अगर तीन सेट्स हैं तो थ्री डायमेंशन के हिसाब से हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये थी हमारी आज की टॉपिक से कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी हमारी क्या, वो होगी हमारी के प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑपरेशन ऑफ द सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के ऊपर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर, तो आज वो चीज़ लिखें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको जस्ट मैं डिफाइन कर देता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके ऊपर जितने भी हमारे एग्जांपल्स होंगे जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी हमारी ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर, लाजमी ऑपरेशन हमारे कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशन होते हैं हमारे कौन से, यूनियन हो गया हमारा, इंटरसेक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे टॉपिक लिख लेता हूँ मैं कि प्रॉपर्टी अहन के प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सेट्स के ऊपर हमारे ऑपरेशन के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें डिफाइन कर लेता हूँ। अगर मैं कहूँ नंबर वन पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर सेकंड पे कौन सी होगी, कम्यूटेटिव, नंबर थर्ड पे कौन सी होगी, आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, नंबर फोर कौन सी होगी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, उसके बाद होगी हमारी कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद फाइव नंबर जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख ली जो हमारी सेट के ऊपर है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर वन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि दो सेट्स के दरमियान में आपस में कॉम्बिनेशन, अगर यूनियन है तो यूनियन के हिसाब से, अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के हिसाब से, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस के हिसाब से। तो क्लोजर का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट्स का हम यूनियन इंटरसेक्शन या काम डिफरेंस निकाले जो रिजल्टेंट आए वो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, सबसेट या पावर सेट ऑफ यू सेट होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ क्या बनेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं नंबर वन पे क्या होगा हमारे पास क्लोजर, अगर मैं कहूँ लेट ए एंड बी आर दी सबसेट ऑफ पी ऑफ यू,
पी ऑफ यू मतलब क्या, पावर सेट ऑफ यू सेट, सबसेट कह दो, या यहाँ पे लिख लो सेट्स विच बिलोंग्स टू अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया सबसेट बोल दूँ सबसे यूनिवर्सल सेट के, या यहाँ पे ऐसे कर लो कि सबसेट ऑफ यू एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी सेट्स विच आर बिलोंग्स टू पी ऑफ यू देन ए यूनियन बी कामा ए इंटरसेक्शन बी निकालो या ए डिफरेंस बी निकालो, तीन ऑपरेशन कौन कौन से, यूनियन इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक, जो इनका रिजल्ट आए द रिजल्ट विच वो चार सौ बिलोंग्स टू पी ऑफ यू, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी हमारा पी ऑफ यू से बिलोंग्स करेगा, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो प्रॉपर्टी होगी हमारी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई भी सेट है हमारे जो सर मैं सेट उठा रहा हूँ वो क्या होंगे, पी ऑफ यू में से उठा लिए मैंने दो सेट्स ए और बी नेम दे दिए और उनका आंसर निकाल लिया, जो आंसर आएगा वो भी पी ऑफ यू में से में ही मौजूद होगा सेट पे, वो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी होगी क्या हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी हिसाब से सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या सेम आनी चाहिए, लेकिन किस हिसाब से, अब कम्यूटेटिव के अंदर हमारी दो कंडीशन आ जाती है, एक आती है हमारी यूनियन, दूसरी आती है हमारी इंटरसेक्शन, और जो थर्ड नंबर कंडीशन है जो हमारी डिफरेंस है, क्या वो कम्यूटेटिव में सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि अब देखो जैसे कि पहले यूनियन और इंटरसेक्शन को डिफाइन कर लूँ कि यूनियन के हिसाब से कैसे कम्यूटेटिव होती है हमारी, कि ए यूनियन बी हमारी इक्वल होती है बी यूनियन ए के, ए यूनियन बी हमारी विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपस में सेम आनी चाहिए, कब सेम आएगी, जब ये उनकी मैंने क्या पोजीशन चेंज कर लूँ, यूनियन निकालूँ और उनकी पोजीशन चेंज कर लूँ, तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यूनियन के हिसाब से सेटिस्फाई होगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारी इंटरसेक्शन के हिसाब से, अब इंटरसेक्शन के हिसाब से कैसे, कि ए यूनियन ओ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जस्ट पोजीशन चेंज करनी ए और बी सेट की, वहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए सेट रखा और राइट हैंड साइड पे पहले क्या बी सेट रखा, बट दोनों का जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट और राइट साइड में दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब जाके वो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव होगी वो हमारी सेटिस्फाई होगी। और सिमेट्रिक में और डिफरेंस में क्या ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, अब ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए हमारी क्यों नहीं इक्वल है, इस वजह से हमारे इक्वल नहीं होते क्योंकि इसके डिफरेंस के अंदर जो सेम होंगे हमारे कैंसिल होंगे, यहाँ पे ए के एलिमेंट नन कामन बचेंगे और यहाँ पे बी के हमारे नन कामन बचेंगे, क्या ए के जो नन कामन है वो हमारे इक्वल होते हैं बी के नन कामन से, कभी भी नहीं होते, अनलेस व्हेन ए सेट हमारा इक्वल होना चाहिए बी सेट के, ये कंडीशन तब इक्विलिटी में आ जाएगी, तब हमारी बराबर होगी, जब ए और बी हमारे जो सेट है वो दोनों आपस में क्या इक्वल आने चाहिए, अगर दोनों सेट इक्वल होंगे तब जाके ये वाली डिफरेंस वाली जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो तब सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, ये होगी हमारी क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारी सेटिस्फाई होती है, लेकिन डिफरेंस के हिसाब से हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन, यूनियन के हिसाब से आइडेंटिटी, अब यहाँ पे है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट को उस सेट से हमें
यूनियन करना जो रिजल्ट में वही सेम सेट आ जाए। अगर मैं कहूँ ए सेट है, ए सेट के अंदर मैं ऐसा कौन सा सेट ऐड करूँ जो मेरा ए सेट ही बने, हम बोलेंगे नल सेट। क्यों? नल सेट किसी भी सेट से हम यूनियन करेंगे तो वही सेम हमारा सेम ए सेट बनता है। तो इस वजह से नल सेट क्या होगा, नल सेट इज द आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। क्योंकि अगर मैं ए यूनियन नल सेट करूंगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, ए सेट ही बनेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी होगी हमारी क्या, आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन के हिसाब से। क्योंकि नल सेट क्या होगा, यूनियन के हिसाब से हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा कि किसी भी सेट में अगर बी सेट है, बी सेट में अगर नल सेट ऐड करूंगा तो बी सेट ही बनेगा। अगर सी सेट है, सी सेट में मैं नल सेट ऐड करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, सी सेट ही बनेगा। तो नल सेट क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर नल सेट क्या होगा, आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी है किसी हिसाब से, इंटरसेक्शन के हिसाब से। अगर मैं कहूँ आइडेंटिटी फोन नंबर, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारी आइडेंटिटी। अब इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारी आइडेंटिटी कौन सी बनती है, यूनिवर्सल सेट। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सेट इज आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब मेरा ए सेट है, ए सेट में ऐसा कौन सा सेट इंटरसेक्शन करूं जो मेरा ए ही बने, हम बोलते हैं ना ए सेट सेम सेट अगर करूंगा तब जाके। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन करूं, लाजमी है यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट बिलोंग्स करते हैं यूनिवर्सल सेट में से। क्योंकि ए क्या होता है, सबसेट होता है किसका, यू का। तो लाजमी है इन दोनों के कामन एलिमेंट रखेंगे, कामन कौन से होंगे, लाजमी जो ए वाले हैं वो यू के अंदर मौजूद हैं सारे के सारे। तो ये क्या होगा, रिजल्ट में क्या आएगा, ए सेट ही बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारा, आइडेंटिटी हो जाएगा किसका, इंटरसेक्शन के साथ। अब इंटरसेक्शन में क्या, आइडेंटिटी का मतलब क्या, रिजल्ट में क्या आना चाहिए, वही सेम सेट आना चाहिए। ऐसा सेट किसी भी सेट में यूनियन करो या इंटरसेक्शन करो जो रिजल्ट में हमारा क्या, सेम सेट आना चाहिए। तो वो क्या होगी, हमारा आइडेंटिटी सेट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से यूनियन में क्या, नल सेट, और इंटरसेक्शन में क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल सेट हो होगा। तो ये क्या होगी हमारी, आइडेंटिटी के हिसाब से यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद नंबर फाइव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके सेट के हिसाब से होती है, यूनियन के हिसाब से भी होती है और इंटरसेक्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर यूनियन। अब एसोसिएटिव में क्या होता है हमारा कि कोई भी तीन सेट हम उठाते हैं, अब टेकिंग एनी थ्री सेट ए बी और सी। अब इसमें क्या होगा हमारा कि अगर यूनियन के हिसाब से तो ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये जो होगी प्रॉपर्टी, ये होगी हमारी क्या, यूनियन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले क्या करो, ए और बी को यूनियन करो, फिर सी से यूनियन करो, फिर इस सेकंड साइड में क्या होगा हमारा, बी और सी को यूनियन करो, फिर ए को यूनियन करो। मतलब क्या, पोजीशन चेंज करनी, तो ये क्या होगा हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। इसी हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी होगी इंटरसेक्शन के हिसाब से। अब इंटरसेक्शन के हिसाब से कैसे प्रॉपर्टी, अब वहाँ पे क्या थी, यूनियन की सिंबल लगाई हुई थी, अब इंटरसेक्शन में क्या होगी हमारी, जस्ट इंटरसेक्शन की सिंबल लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारी तीन कंडीशन आती हैं। अब वो तीन कंडीशन कैसे होंगी, विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और कार्टेशियन के हिसाब से। अब उनको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर लूँ, फिर इनके जो एग्जांपल होंगे कि उनके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके एग्जांपल डिफाइन करेंगे।
नंबर सिक्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लगानी है, इंटरसेक्शन की जगह। यूनियन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाले सेट के साथ क्या लगानी, यूनियन लगानी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हमारे कितने सेट इन्वॉल्व होते हैं, तीन सेट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ए बी एंड सी आर एनी सेट्स, कोई भी सेट्स हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी किस कंडीशन कंडीशन के हिसाब से होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वो चीज देख लो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है तो विरासत वाली खासियत है, तो क्या होगा, ए को बी के साथ यूनियन करो, फिर ए को सी के साथ यूनियन करो, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आए उन दोनों को आपस में क्या, इंटरसेक्शन करना। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी, ये होगी हमारी क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो होगी इसके अंदर वो होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का मतलब क्या, फर्स्ट इंटरसेक्शन उसके बाद यूनियन। अब ओवर यूनियन ये मतलब ब्रैकेट के अंदर हमारी फर्स्ट कंडीशन के अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, यूनियन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वो चीज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए को बी के साथ क्या करना, इंटरसेक्शन करना, फिर ए को सी के साथ इंटरसेक्शन करना, फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा लास्ट में हमें क्या करना है, यूनियन करना। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसके बाद थर्ड नंबर जो कंडीशन है हमारी, या थर्ड नंबर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, वो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। अब उसके अंदर ये थर्ड नंबर कंडीशन के अंदर हमारी दो कंडीशन आती है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन ओवर यूनियन एंड ओवर इंटरसेक्शन। अब इसके अंदर दो कंडीशन होंगी, एक होगी हमारी यूनियन के हिसाब से, एक होगी हमारी इंटरसेक्शन के हिसाब से। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिनके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो पहले नेम दे दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन, एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, कार्टेशियन बाहर वाली साइड पे तो कार्टेशियन होगी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या कौन सी सिंबल होगी, एक यूनियन के हिसाब से एक इंटरसेक्शन के हिसाब से। तो किस हिसाब से होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ओवर यूनियन है तो ए क्रॉस बी यूनियन सी वो चीज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए को बी के साथ क्रॉस लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद ए को सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद जो दोनों का रिजल्ट आएगा उन दोनों को आपस में क्या, यूनियन करना। उसके बाद इसकी जो सेकंड कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन। तो मतलब क्या, ए को ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो रिजल्ट में हमारे पास सेकंड साइड जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। अब जो दोनों का रिजल्ट आना चाहिए वो क्या, उन दोनों को क्या करना, इंटरसेक्शन करना। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आज हमने स्टडी की थी। आज का लेक्चर जो था हमारा किसके ऊपर था, एक था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट टॉपिक थी, और दूसरी जो थी हमारी क्या कि सेट के ऊपर हम ऑपरेशन के ऊपर हमारी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनका हमारा यूजेज, तो वो प्रॉपर्टीज़ किस किस के बराबर होती है। अब इनसे रिलेटेड, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे।